जब भी कोई थंबनेल पे ट्यूटोरियल आप लोग को देता था तो आप लोग को मैं बोलता था कि ये थंबनेल का जो बैकग्राउंड है इसका कलर कोड ये है, इस टेक्स्ट का जो कलर है उसका कोड ये है, तो वो कलर का जो कोड मैं बोलता था वो आखिर है क्या, यानी कि उसको आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे व्यूवर्स जो मेरे वीडियोस देखते हैं उनको पता ही नहीं है कि आखिर कलर कोड हम लोग यूज़ कैसे करेंगे पिक्सल एप्लीकेशन पे, या फिर कलर कोड होता क्या है। तो सारी जानकारी आज इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं एक एग्जांपल आप लोग को देता हूँ कि जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपका कोई नेम है, जैसे कि मेरा नाम त्रिपुरारी है, आपका नाम कुछ भी हो सकता है, राहुल, रमेश, अमन, कुछ भी हो सकता है। तो आप लोग का एक नेम है जिससे आप लोग को कोई जानता है ना, आप लोग को बुलाता है, यानी कि आपका नेम है तभी आप लोग को जानता है। जैसे कोई स्टेट का नेम हो गया, जैसे मेरा बिहार स्टेट है, यानी यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, तो इस टाइप से उसका एक नाम है। इसी टाइप से ना कलर्स के भी नेम होते हैं। अब कलर्स के नेम्स का मतलब ये नहीं है कि मैं रेड, ग्रीन, येलो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रेड में भी आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाते हैं, ग्रीन में भी बहुत सारी वैरायटी मिल जाती है कलर के। जैसे कि दो पीपल्स हैं उनके सेम नेम हो सकते हैं, बट दोनों के जो फिंगरप्रिंट होंगे वो अलग अलग होंगे। तो उसी टाइप से ना कलर्स में भी होता है कि कलर्स के नेम तो सेम हो सकते हैं, रेड में आपको बहुत सारे वैरायटी मिल जाते हैं, लेकिन उसका जो कलर कोड होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो नेम का मतलब ये नहीं है कि ये रेड कलर है तो हाँ ये रेड है, ये मैं अभी आप लोग को कोड के बारे में बता रहा हूँ। अब इसको पिक्सल लैब एप्लीकेशन में या फिर किसी भी ऐप में आप लोग कलर कोड का नाम सुनते हैं तो उसको यूज कैसे करना, जब आप लोग को कलर कोड पता चल जाएगा तो वही आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो उसके लिए मेरे को पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाना होगा, तो चलिए चलते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे और मैं आप लोग को बताता हूँ। तो यहाँ पे ना मैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। तो जैसे मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया कि कलर कोड एक कलर का नेम होता है, तो वो कलर कोड आप लोग को पता कैसे चलेगा, तो वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो जैसे मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट किया, आप लोग बैकग्राउंड के साथ भी करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे जैसे ए वाले ऑप्शन पे आता हूँ, देन यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, प्लस के आइकन पे टैप करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग को हैशटैग देखने को मिलता है। तो ये FFFF लिखा हुआ है, यानी कि ये व्हाइट कलर का जो है कलर कोड है, यानी कि इसका नेम है व्हाइट कलर का। लेकिन जैसे मैं कलर चेंज करूँगा तो ये कोड भी चेंज होगा, ये हैशटैग चेंज होगा, तो ये इसका नेम है। तो ये आप लोग कस्टमाइज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है पेंसिल का, इस पे टैप करना है आप लोग को। देन यहाँ पे ऑप्शन मिलता है हैक्स का, तो यहाँ पे हैशटैग पहले से लिखा हुआ है, बस आप लोग को यहाँ पे कोड चेंज करना है। तो ये कोड आप लोग को कैसे मिलेंगे, तो मैं अपने वीडियोस में जब ट्यूटोरियल देता हूँ तो वहाँ पे आप लोग को कलर कोड दिखाता हूँ, नहीं तो आप लोग को सिंपली गूगल पे जाना है एंड कलर कोड आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोग को बहुत सारा कलर कोड देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने गूगल पे सर्च करके रखा हुआ है बहुत सारे कलर कोड, तो यहाँ पे जैसे मैं एक कलर कोड आप लोग को यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे है ब्लू जे, तो इसको मैं ऐसे सिंपली यहाँ से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे आके पेस्ट कर दूँगा। तो ये हैशटैग के बिना आपको पेस्ट करना है। देन यहाँ मैं ऐसे यहाँ से डन करूँगा, देन यहाँ से ओके करूँगा एंड ये हमारा ब्लू जे कलर कोड आ गया है यहाँ पे, और इसका देख सकते हैं कलर चेंज हो चुका है। देन मैं यहाँ से डन कर दूंगा। तो सेम आप लोग बैकग्राउंड के साथ भी कर सकते हैं एंड ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ही ये कलर कोड यूज़ कर सकते हैं। कलर कोड आप लोग बहुत सारे ऐप में देखेंगे यूज़ करने का ऑप्शन देता है, तो वहाँ से जाके आप लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड कलर कोड आप लोग ट्रेस भी कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रेस का भी ऑप्शन मिल जाता है कलर में, मैं दिखा देता हूँ। एंड जब आप लोग ग्रेडियंट कलर बनाएंगे तो वहाँ पे आप लोग को दो बार अलग अलग कलर लेने पड़ेंगे, तो दो बार आप लोग को कलर कोड यूज़ करना पड़ेगा सिंपली। तो कलर ट्रेसिंग के लिए ही पेंसिल के आइकन के बगल में ही आप लोग को ये ट्रेसिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं वो पता नहीं, लेकिन मैं इसको ट्रेसिंग वाला ही ऑप्शन बोलता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से ग्रीन कलर ट्रेस करूँगा तो यह मेरा बैकग्राउंड का ही कलर अभी ट्रेस कर रहा है, तो यहाँ से आप लोग ट्रेस करके ले सकते हैं। देन यहाँ से आप लोग कुछ मूव करके सर्कल में इस टाइप से आप लोग कलर कोड बना सकते हैं। देन ग्रेडियंट जब आप लोग लेंगे तो ग्रेडियंट में जैसे मैं यहाँ पे तीन चार कलर का मिक्सिंग होता है ग्रेडियंट में, तो यहाँ पे आप लोग को दो बार यानी तीन बार हो सकता है कलर कोड आप लोग को देना पड़ेगा हर बार अलग अलग। तो इस टाइप से आप लोग ग्रेडियंट कलर भी बना सकते हैं। तो आई होप आप लोग को यार इस वीडियो में अच्छे से कलर कोड के बारे में पता चल गया होगा, जो कैसे आप लोग यूज़ कर सकते हैं।